सब हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, जो उपचुनाव का इन्होंने घोषणा किया है ना 4 सीट, तो बस इनका माने पानी का पता लग जाएगा। आपके कहने का मतलब कि बिहार बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है ये 4 सीट निकाल देंगे तो आप राजनीति छोड़ देगा? हाँ, राजनीति छोड़ देगा, अगर 4 सीट एकदम छोड़ देंगे, अगर छोड़ देंगे तो लाखों लोगों का भीड़ वहाँ, आपने लाखों लोगों का कहाँ भीड़ था? अरे जो स्टूडेंट था वो मैंने जलवे करते हैं, स्टूडेंट जो है जहाँ आप हम भी कहेंगे तो 10,000 स्टूडेंट है, भीड़ कहाँ था? 10,000 की लड़ाई है, दो धारा की लड़ाई है। दो धारा कौन कौन? बस सब जलवे करते हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए। प्रशांत किशोर कहीं नहीं रहेंगे? प्रशांत किशोर वोट काटेंगे। अब हम कहे भूतपिया जन मोर्चा का सरकार बन जाएगा, हमको लोग पागले नहीं कह रहे हैं कि ना हम खेलब ना खेले देव, आ खेलब तो धके मिटका देव। ये मिटकावे खातिर चल। सहयोगी जी, आपको क्या लगता है यदि बिहार विधानसभा के 243 सीट पर यदि प्रशांत किशोर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो कितना सीट उनका निकल जाएगा? आनंद मोहन वाला हाल हो जाएगा, 4 सीट पहले निकाल ले, उपचुनाव वाला पहले 4 सीट पूरी में हम एक जरूर पहले जा। हम सहयोगी जी आपकी बात मानते हैं कि लाखों लोग वहाँ मैदान में नहीं आए थे, 40,000 लोग आए थे, आखिर 40,000 कहाँ से आ गए, 50,000 कहाँ से आ गए? अरे महाराज ये 40,000 आप हमको दीजिए ना, बस ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए, हम 1 लाख नगर नहीं नहीं गांधी मैदान में भरेंगे, क्योंकि गांधी मैदान में आपके अनुसार रुपये से लोग आए 10 पैसा है, अभी 24 आगे बढ़ा दिए। और जो अब खुद जो है, अब इनका हाथ जो बारी आया तो उस वक्त हो सकता है कि भस्मासुर वाला हाथ हो जाए। भरत सिंह सहयोगी जो है उसी दिन से राजनीति छोड़ देगा। जो समृद्धि न्यूज चैनल में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। चर्चा चुनावी रणनीतियों की और जिस तरह राजनीति का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि एक बहुत ही अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं भोजपुरिया जन मोर्चा के संरक्षक कह लीजिए या जो कह लीजिए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं भरत सिंह सहयोगी जी, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं आम आवाम समस्या को लेके हमेशा आप देखे होंगे, कभी विक्रमगंज में तो कभी पीरो में तो कभी दिल्ली में तो कभी रमना मैदान में, लगातार इनको आप देखते होंगे, लोगों का आवाज़ बनने का काम करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। पहले समृद्धि चैनल, जो चैनल आज देश और विदेश में इसका खबर लोग देखता है, उस चैनल को खास करके समृद्धि, समृद्ध का मतलब क्या होला, समृद्ध करना, तो आज समृद्ध के उद्देश्य से आरपीएस स्कूल के हम एक के संस्थापक होके के नाते, चूँकि आरपीएस स्कूल में भी आज बैठल बनी और दौर में अब यहाँ के भइल कि आप कहाँ है सहयोगी जी, तो हमने यही कहा है कि हम तो ना है योगी, हम ना है मोदी, हम है बिहार के एक छोटा सा सहयोगी। आप याद कर लिए तो सहयोगी आपके दिल में है। अब हम आपके चैनल चर्चा हो रही है सहयोगी जी, एक तूफान जैसा एक पार्टी उभर के सामने आई है और उस पर हम चर्चा करेंगे। नाम तो आपने भी सुना ही होगा प्रशांत किशोर जी का, जो कि पूरा बिहार के राजनीति में एक अलग मोड़ वो दे दिए हैं, एक अलग भूचाल सा आ गया है। वो तो कह रहे हैं कि छठ पूजा में जो भी आएगा, यदि हमारी पार्टी बनती है तो कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, यहीं पे हम तमाम लोगों को व्यवसाय रोजी रोटी दे देंगे, तमाम और भी बहुत सारी बातें को कह रहे हैं। हमारी उनकी पार्टी 2 अक्टूबर को बन भी गई और लाखों लोगों का तादाद देखने को मिला, क्या कहेंगे, कितना घातक हो सकता है इस, मतलब जो भी और पार्टियों के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए बिहार के लिए एक बहुत बड़ा ये घातक साबित होंगे, क्योंकि वोट काटेंगे। हाँ वोट काटेंगे, तो कह रहे हैं कि जीतेंगे हम। नहीं नहीं देखिए जीतने की कहाँ सवाल है, मन अब हम क्या कहें, वही आदमी जाता है एनडीए में, वही आदमी जाता है इंडिया गठबंधन में, और वही आदमी इनके पास है, हमने देखा है। तो ये भाई पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं, तो कह रहे हैं कि हम मेरा दिखा रहे हैं। ये पॉलिटिकल जो है, 4 सीट अगर चुनाव में निकाल ले, भरत सिंह सहयोगी जो है उसी दिन से राजनीति छोड़ देगा। जो उपचुनाव
चुनाव के लिए घोषणा किया है ना, अभी आपके रामगढ़ में ये सुदामा प्रसाद का जो खालवी हुआ है, जो ये मांझी का हुआ है, चार सीट उपचुनाव होने वाला है ना बिहार में, इन्होंने घोषणा किया है ना ये चार सीट निकाल ले तो हम कह देंगे कि हाँ ये प्रशांत जी है, और नहीं तो शांत हो जाएंगे। ये जो जो भी जुमला दिखा रहे हैं, ये जुमला जो है बस चार चुनाव जो उपचुनाव होगा उसी में इनका रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि कितने पानी में है, और कितने पानी में। और कह रहे हैं कि 243 सीट पर लड़ने की बात, अभी तो हमने 242 सुना, पहले 43 कह रहे थे। अच्छा आप ही बताइए अशोक जी, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो गठबंधन करके चल रही है, तो कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को जिताने का काम हम किए हैं। बताइए तो आप जानिए जान गए हैं कि चाणक्य हैं, कभी यही ना कहे थे जी हर हर मोदी, आज क्या कहेंगे, मरमर मोदी कहेंगे, वही मोदी को हर हर मोदी कहे, आप मरमर मोदी। तो सोच लीजिए कि आज क्या कह रहे हैं और कल क्या करेंगे। जो आपने सवाल किया कि छठ के जो भी आएगा यहाँ बिहारी वो वापस नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए कहाँ कल कारखाना खुलवा दिए हैं, कहाँ कल कारखाना का उनका प्लानिंग है। जितना पैसा उन्होंने खर्चा किया अरबों रुपया, वही पैसा अगर कुछ उद्योग कहीं लगा के दिखा देते तो ये लगता कि नहीं भाई, तो पहले ही से उद्योग लगा, चूंकि हम लोग किसान है, अब हम लोग खेती शुरू में करते हैं तो दिखाते हैं कि देखिए मेरा बीज है, यही बीज जो है अब खेत में जाएगा। प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हजारों लोग को नौकरी हमने अभी दे दिया है। तो हजारों लोग को नौकरी कैसे आपने दे दिया भाई, उसी का मैंने हम हिसाब तो जनता मांगेगी, कैसे आपने दे दिया। अभी तो आपने केवल जो है टेलर दिखाया है, देखिए ये टेलर है, देखिए ये मेरा आदमी है, आपको हम जो देखिए ये सब झांसा है। खैर हम किसी के बारे में हम उतना नहीं कहेंगे। अच्छा, इतना लाखों लोगों का भीड़ वहां आपने, लाखों लोगों का कहां भीड़ था। अरे जो स्टूडेंट था वो मैंने जलबे करते हैं, स्टूडेंट जो है जहां आप हम भी कहेंगे तो 10,000 स्टूडेंट है, भीड़ कहां था, 10-20,000 तो भीड़ था। लोग कहता है कि 40,000 भीड़ है, 30,000 भीड़ है। ये देखिए ये आप ही लोग मीडिया जो है ना ये भाई किसी को बढ़ाकर बताते हैं, मतलब लाखों लोग नहीं थे, लाखों लोग कहां, कहीं से कुछ लाखों लोग का। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके साथ शामिल, दिग्गज की बात जो है। अब देखिए इनका हवा जो है ये सब हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, जो उपचुनाव का इन्होंने घोषणा किया है ना चार सीट, तो बस इनका माने पानी का पता लग जाएगा। आपके कहने का मतलब कि बिहार, बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है ये चार सीट निकाल देंगे तो आप राजनीति छोड़ देगा। हाँ राजनीति छोड़ देगा, अगर चार सीट एकदम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। चार सीट निकाल दिए प्रशांत जी तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे, जो अपने बल पर, अपने जो जन स्वराज पार्टी है उसके बल पर अगर ये चार सीट निकाल देना तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। आपके दृष्टिकोण में इतना कमजोर पार्टी है तो क्या है, ये तो हवा हवा ही है। आनंद मोहन को नहीं देखे थे, आपका नया है, काहे को सीट निकाल पाए, बोलिए ना, एक सीट निकाल पाया, बोलिए। आनंद मोहन का भी कितना दिन हुआ है, आनंद मोहन का भी आप देख लीजिए, आनंद मोहन के समय में तो उस समय क्या कहते हैं लालू जी की पी पा के सो गए है। तो उसी तरह से हम आपको, हम कुछ कहेंगे नहीं, वही हाल होगा। देखिए जितना ही बोले हैं उसका चार आना भी अगर पहले से उतार कर सामने रख देते हैं तो हम लोग, हमारी जनता जो है विश्वास कर लेती, लेकिन ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि चलिए वो आदमी जो है अपने टिकट के फेरा में, हमको टिकट मिल जाएगा, हमको कितना ले जाएगा जी, इतना हमको टिकट मिल जाएगा। यही सब जितना भी नाराज लोग हैं इस पार्टी से उस पार्टी से, वो लोग जो है अभी इनके साथ है, और देखिएगा क्या क्या खेल होगा, वो सब खेल जो है। अच्छा, उनका उनका तो कहना है कि आज तक मैंने जिन लोगों का हाथ पकड़ा उसको जिता के दिखाया, अब की बार मैं आप लोगों का हाथ पकड़ता हूँ, आपके बेटे को, आपके परिवार के लोगों को, और उन लोगों को मैं सत्ता दिलवा के रहूंगा, मुझे राजनीति मोह नहीं है, आप लोगों को विधायक सांसद आपको बनना है, मुख्यमंत्री आपको बनना है। अच्छा ये बताइए, अभी जिसको ये हाथ पकड़े इसको जो है आगे बढ़ा दिए, और जो अब खुद जो है अब इनका हाथ जो बारी आया तो उस वक्त हो सकता है कि भस्मासुर वाला हाथ हो जाए, भस्मासुर का भी हाल हो जाएगा, भस्मासुर, हाँ भस्मासुर का वाला हाल हो जाएगा। कहीं ना कहीं का कुर्सी का जरूर भाई स्वार्थ है, बिना कुर्सी का ये कैसे कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं।
ये तो पीछे से कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अरे अजीब है, हम जब राजनीति कर रहे हैं तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनिएगा, ये झूठा बात काहे कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री में नहीं बनना है। अब बताइए, उन्होंने एक दलित वर्ग के मनोज करके कोई है, मनोज क्या नाम है, वो उनको बनाया है। देखिए सब दिखावा है, सब दिखावा है। जब जब अब हम क्या कहे, शुरू से ही दिखावा का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए हैं। अरे तो उनको कहे नहीं परमानेंट अध्यक्ष बना दिए, कार्यवाहक वर्किंग है अध्यक्ष का क्या बात होता है, आ जाए कल गजब देख लीजिए। कहे नहीं हमने भी बनाया है किसी को, आप देखिए सबको हम बिहार का अध्यक्ष बनाए, जिला का अध्यक्ष बनाए, हम जो भी बनाए अध्यक्ष बनाते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए हैं तो आपके अनुसार दाल में काला है। अरे उसका मतलब वर्किंग वर्क करिएगा तो आप रहिएगा, नहीं वर्क करिएगा तो माखी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा या दूसरा कोई आ जाएगा। अभी तो चारे देश के लोग राजदूत है, हमारे साथ भी 10 देश के राजदूत हमारे भोजपुरिया जन मोर्चा में आने वाले दिन में है, जिनका नाम है जगदीश गोवर्धन। अभी अभी 10 देश के वो राजदूत है, जो उनका अंतिम ये समय चल रहा है। तो हम अब जब गिनाना है तो हम गिनवा देंगे, लेकिन उनको अच्छा एक बात बताइए सहयोगी जी, आपको क्या लगता है यदि बिहार विधानसभा के 243 सीट पर यदि प्रशांत किशोर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो कितना सीट उनका आनंद मोहन वाला हाल हो जाएगा, 4 सीट और पहले निकाल ले, उपचुनाव वाला पहले 4 सीट निकाल ले। ये तो खैर उपचुनाव का है, लेकिन यही इनका मैं दर्शा जाएगा। हाँ परीक्षा है, अब भीष्म पितामह का जो महाभारत में था वही हाल हो सकता है कि इनको भी हाल मत हो। प्रचार प्रसार बड़ा जबरदस्त हो रहा है पूरे बिहार में, तो प्रशांत मैंने प्रचार प्रचार मैंने प्रशांत, इनका प्रचार खूब है। हाँ खूब चर्चा भी इनकी, पैसा काज ने किस पार्टी का एजेंट है हमको तो सब। वेलकम टू डामरो, द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड फर्नीचर रिटेल ब्रांड इन इंडिया। मैं आ चुकी हूँ डामरो एंड पेस्ट्रा के एक्सक्लूसिव स्टोर रूम आरा में। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा। तो जल्द ही विजिट कीजिए डामरो एंड पेस्ट्रा के एक्सक्लूसिव शोरूम आरा के चंदवा मोड़ में। तो समझे में नहीं आता, आपको मालूम है, आप लोग तो मीडिया वाले हैं। हाँ आप लोग को मालूम होगा किसी पार्टी को हमको लगता है कि भाई ये एजेंट हो, और नहीं तो कोई ना कोई इनको मैं आर्थिक रूप में कोई है। अब तो पीछे से कौन है अभी तो हम समय आएगा तो, लेकिन है इनके पीछे कोई पीछे है। हाँ कोई पीछे है, आपको ऐसा लगता है कोई पीछे? हाँ कोई पीछे है, कोई चाह रहा है कि ना हम खेल ना खेले देव, आ खेलब तो धके मिटका देव। ये मिटकावे खातिर चलल बड़न। एगो बात जान ली भोजपुरी में, हम एक जरूर कहले जा, हम सहयोगी जी आपकी बात मानते हैं कि लाखों लोग वहाँ मैदान में नहीं आए थे, 40,000 लोग आए, तो आखिर 40,000 कहाँ से आ गए, 50,000 कहाँ से आ गए? अरे महाराज ये 40,000 आप हमको दीजिए ना, बस ज्यादा नहीं, आप बस 1 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए। हम 1 लाख नगर नहीं नहीं गांधी मैदान में भरेंगे, क्योंकि गांधी मैदान में आपके अनुसार रुपया से लोग 10 पैसा से। अभी 24 दिसंबर को हमने गांधी मैदान पटना बिहार की राजधानी है वहाँ आरसी के अधिकार रैली करने जा रहे हैं, आप हमको 1 करोड़ रुपया दिवाइए ना चंदा से। हम देखिए 1 लाख नहीं भर देंगे तो फिर हम क्या कहें, हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। पैसा का खेल है, अगर हमारे पास क्या है, आप तो जानबे करते हैं जीरो ये नथिंग एंड नथिंग इज जीरो, जीरो इज द वर्ल्ड। हम ये भी पढ़े हैं, हम जीरो पर अभी तक कार्यक्रम किए हैं, अपना अपना खाकर। अभी आपने देखा, देंगे आपको अभी पटने गर्दनी बाग में 24 अगस्त को जो हमने वहाँ कार्यक्रम किया था उसमें 10,000 से ऊपर आदमी आया था। भभुआ में कम से कम अब क्या कहें, बक्सर में वही आरा, मैंने कहीं भी जाकर देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको, हम आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं, आरसी की आजादी की बात लड़ते हैं। क्योंकि हमारा देश जो है आजाद हो गया 1947 में, आरसी की आजादी नहीं मिली, तो हम लोग का ये लड़ाई है कि राष्ट्रीय जो हम बनी है पर वोटर पर 30,000 रुपया है, 30,000 पर वोटर पर है। तो उस राष्ट्रीय आमदनी के मुताबिक हम लोग कहते हैं कि 10,000 रुपया दे दीजिए, 20,000 रुपया जो है जो भी आपकी योजना है वो योजना में आप खर्च करिए। क्योंकि हम स्पष्ट बात है कि कुछ ऐसी योजना है जो लूटपाट की योजना, जैसे कि अभी खिचड़ी का जो आप देखते हैं मिड डे,
स्कूल पर देखते हैं ना, उस 80 रुपया उसका लिया जाता है, 10 रुपया का चीज 80 रुपया में ले जाता है। अभी आपने 1700 करोड़ देखने किया कि जो जल में जो खर्चा हुआ, कहाँ कहीं कोई पाइप नहीं है तो कहीं टंकी नहीं है, वो सब उतना पैसा अगर दे दिया जाता, घर में 5 गो वोटर है, अगर 50,000 मिल जाता तो उतना में सबरसेबल कर देता कि नहीं। शिक्षा की बात है, अगर उसके पास पैसा रहेगा तो वो भी कहीं बढ़िया स्कूल में जाकर अपना बच्चा का नाम लिखवाएगा। पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अब पैसे के लिए हमने कहा कि वोटर पेंशन जो है, जो हमारे दीपक गोयल 2011 में सिफारिश किए थे कि नहीं वोटर पेंशन होना चाहिए, जिस तरह केवल एमपी को होता है उसी तरह से वोटर पेंशन होना चाहिए आर्थिक आज़ादी के लिए। वो आर्थिक आज़ादी के लिए अगर वोटर पेंशन शुरू हो जाए उस दिन वोटर जो है, क्योंकि भूतपूर्व मोर्चा जो है एक ऐसी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जो वोटर के लड़ती है, वोटर की आज़ादी भूतपूर्व जन मोर्चा की आज़ादी है। प्रशांत किशोर जी के विचार सब सहमत नहीं है कि जो भी एजेंडा है वो आपको अच्छा नहीं लगता? एक बात जरूर देखिए, एक्सेस इज अ वेरी बैड, इतना ना एक्सेस बोलते हैं, हर बिंदु पर बोलते हैं, जैसे हम लोग का खास खास बिंदु है कि भाई भूमिहीनों जो है सरकार ने घोषणा किया है 3 डिसमिल, भारत सरकार ने 5 डिसमिल किया है, तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं जो अब सरकार ने घोषणा की है वो मिलना चाहिए। आर्थिक आज़ादी की बात है तो हर वोटर को 10,000 रुपया मिलना चाहिए, जो हमारे वर्षों से जो अपना स्टैंडर्ड खड़ा किया है बिना विकल्पिक व्यवस्था किए हुए, उसका स्टैंडर्ड नहीं तोड़ना है। ये अत्याचार की जहाँ तक बात है कि जो भी अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोका जाए, तो हम लोग का ये को मुद्दा है। भोजपुरी भाषा बताइए, एक ऐसी समृद्ध भाषा है, जैसे कहल बा कि भोजपुरी भाषा जो बा सुहागन के चूड़ी है, सुहागन के चूड़ी है और दुश्मन के छुरी है, वाह भाषा भोजपुरी है। तो भोजपुरी भाषा के संवैधानिक अधिकार अभी तक ना मिलल, जबकि अभी भी माने कई बार एक संसद में एकर चर्चा भइल, तो सवाल ये बा कि भोजपुरिया जो बा वो भाई मान सम्मान और बिहार के जो बदहाली बा युवा जो जा रहल बा पलायन करे खातिर, ये तो कहल कि हम रोक देव, कैसे रोक दी हन? हम तो मॉरिशस के राजदूत जगदीश गोवर्धन से हमारा बात हो, घंटन बात हो, उनका कॉन्फ्रेंस में भी हम दिल्ली में गई रही, कहल कि हमारे यहाँ कोई भी मैं बेरोजगार नहीं है, अगर बेरोजगार है तो हम लोग 10,000 रुपया उसको देते हैं, तो हाँ बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया हम लोग देते हैं। तो इस तरह का यहाँ कुछ नहीं है, चूंकि गांव से लेके शहर से लेके जिला से लेके हर जगह छोटा छोटा उद्योग है, क्योंकि उसके बाद ये 10,000 मिल गया, 5 गो है 50,000, छोटा सा गए वो अपना कुटीर उद्योग खोल लिया, उसी पैसा से सब अपना आत्मनिर्भर हो गया। तो कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कैसे आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, जब तक उसके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हम 30,000 प्रति माह जो हर वोटर पर जो राष्ट्रीय आमदनी है उसका भी हिस्सेदारी है, आपका भी हिस्सेदारी है। आपको अगर 5 कितना वोट है आपके पास, वोटर कौ गो है पत्रकार महोदय, आपके यहाँ कौ गो है बोलिए? 10 गो है, 1,00,000 रुपया हो जाता है। 1,00,000 रुपया से मान लीजिए कि आपके घर का विकास होगा कि नहीं होगा, और पैसा का हुआ किसी का है जी, हिस्सेदारी है आपको। देखिए राष्ट्रीय संपत्ति में हर वोटरों का हिस्सेदारी है, हम अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 भाई हैं, एक भाई मान लीजिए कि चले गए तो हम उनका हिस्सा दे दिए, हम अपना हिस्सा में रह रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय भारत माता का हम लोग बेटा है, तो उसमें राष्ट्रीय आमदनी 30,000, आप गूगल उठाकर देखिए, 20,000 से आप स्कूल बनाइए, रोड बनवाइए, पुल बनाइए, जितना योजना है आप करिए, लेकिन 10,000 रुपया जो है वोटर को हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि दीजिए, अगर आप नहीं देते हैं तो भाई हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, संघर्ष मेरा नारा है। सहयोगी जी, हम लोग निश्चित तौर से आपका एजेंडा या जो भी है, लेकिन अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर का बहुत बढ़िया भविष्य होगा, आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में किसकी सरकार हो सकती है? देखिए एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर का क्या उनका राजनीति है, क्या सोच है, लेकिन दो धारा की लड़ाई है। कौन कौन? हाँ बस सब जब करते हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए। प्रशांत किशोर का ही नहीं रहेंगे, प्रशांत किशोर वोट काटेंगे। अब हम कहे भूतपुरिया जन मोर्चा का सरकार बन जाएगा, हमको लोग पागले नु कहेगा, अरे भूतपुरिया जन मोर्चा संघर्ष करेगा, 243 सीट है, 243 सीट पर मेरा अगर
समर्थन प्राप्त हो गया भूतपुरिया जल मोर्चा का, क्योंकि ये मेरा त्यौहार नहीं है, ये खास करके वोटर का त्यौहार है, वोटर का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लड़ाई कहा जाएगा, लड़ाई लिया जाएगा 243 सीट पर भूतपुरिया जल मोर्चा लड़ेगा। वो तो मन से पूरा कह रहे थे कि हरा दे, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग साथ हैं। शोर में तो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि कितना उनका जुमला है। अभी तो आप बहुत पहले भी आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी कहे थे कि काला धन हम ले आ देंगे, हर लोग को 15-15 लाख चला जाएगा, क्या कहे किसको 15 लाख, कि साधु जी को मिला होगा, धीरे से रख लिए होंगे, किसको मिला तो उसी ये मोदी जी के ये पात्र है, ये दूसरा थोड़े पात्र है, ये मोदी जी है। आप कौन सर, खाली साधु जी को मिला होगा, इसीलिए मोदी कहा कि तुम जाओ पीछे, तुम मेरे अग्नि में तुम्हारा क्या काम है, आप तो दे दिए हर हर मोदी करके ले लिया पूरा वोट की 15 लाख आएगा और सब लोग को जाएगा।